रिसेंटली INS विक्रांत सी ट्रायल के लिए गया। 2022 में इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा और 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के पास होंगे। पर इसी के साथ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहस चल रही है। कुछ का कहना है कि इंडियन नेवी में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करना चाहिए, तो कुछ खुले तौर पर इसका अपोज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। INS विक्रांत INS विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी। तो इसमें INS विक्रमादित्य को पाकिस्तान के लगते सी बॉर्डर के साथ डिप्लॉय किया जाएगा, वहीं INS विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में उतारा जाएगा, जिससे चीन पर नज़र रखी जा सके। हाल के दिनों में चाइना हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। चाइना भी करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है और 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने की सोच रहा है। वहीं इंडियन नेवी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ चाइनीज नेवी को रोक सकती है, पर 2040 के बाद INS विक्रमादित्य रिटायर होने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ धोखेबाज चीन 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा होगा, तो हमें कम से कम 2 नंबर को तो मेनटेन करना ही होगा। अगर आप INS विक्रांत के टाइम पीरियड पर ध्यान दें तो इसे 15 से 20 साल इंडक्ट होने में लग गए, जबकि यह न्यूक्लियर पार्ट भी नहीं था। इसलिए नेवी को फ्यूचर में भी हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम शुरू करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। तभी ये 2040 तक जब INS विक्रमादित्य रिटायर हो रहा होगा उसकी जगह ले पाएगा। INS विशाल पर काफ़ी चर्चा की गई। ये 65,000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अब बात करें नेवी के बजट की, तो नेवी इतनी अमाउंट फिलहाल देने की सिचुएशन में नहीं है। इसलिए नेवी को चाहिए कि वह INS विशाल जितने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़कर INS विक्रांत 2 पर काम शुरू करे, पर इसे न्यूक्लियर पावर किया जाए, सेम फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह, जिससे नेवी के पास 2040 तक INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करने का ऑप्शन भी रेडी होगा। इससे नेवी के पैसे भी कम लगेंगे और फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियर पावर्ड होगा उसकी टेक्नोलॉजी भी रेडी होगी। साथ ही 2040 के बाद हमारी GDP भी 10 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी होगी, तो नेवी को अपने फंड की भी टेंशन नहीं रहेगी। तब सभी सिचुएशन नेवी के फेवर में होगी। अब बात रही INS विशाल की, तो उस टाइम पर INS विशाल को 65,000 टन से बढ़ाकर 1,00,000 टन का एक सुपर कैरियर बनाया जा सकेगा, जो न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण अनलिमिटेड रेंज के चलते दुनिया के किसी भी कोने में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा और इंडिया को सुपर पावर बनने में भी हेल्प करेगा। साथ ही पाकिस्तान की बात करें तो अभी तो पाकिस्तान की टेंशन नहीं है, पर कई बार ऐसी न्यूज़ आई है कि चाइना पाकिस्तान की नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर देगा, तो शायद 2040 तक पाकिस्तान की नेवी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करे। तो ऐसे में आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ज़रूरी नहीं है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कोई सुपर कैरियर ही हो, फ्रांस की तरह छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है। वही इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, जिसके कारण इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और चीनी नेवी को कंट्रोल में रखने के लिए जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी उतना ही चीन कंट्रोल में रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इंडियन नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूर ऑपरेट करना चाहिए और इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए लेट्स फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।